तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत सारी चीज़ें सर्च करने में मदद देती है। वैसे तो आपने बहुत सारी वेबसाइट या देखी होंगी ऐप जिसमें आप एक एक चीज़ सर्च कर सकते हैं, लेकिन इस एक ऐप के अंदर आप इसमें क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इसमें आप सिम का डाटा, ड्राइविंग लाइसेंस और FIR जो है आप ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, और यहाँ पे ड्राइविंग, यहाँ पे गाड़ी के बारे में बताया हुआ है, गाड़ी किसके नाम है वो चेक कर सकते हैं, उसके बाद बिजली का बिल, PCL का बिल और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप इस एक ऐप की मदद से चेक कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है आपको यहाँ पे मेरी वेबसाइट का पता ही होगा। तो आपने क्या करना है कि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपके पास एक वेबसाइट आएगी, आपने यहाँ डाउनलोड का बटन आएगा, आपने डाउनलोड APK फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास 5 सेकंड की ऐड आएगी, आपने यहाँ से उसको स्किप करना है। स्किप करने के बाद अलाउ पे क्लिक करना है और आपके पास डाउनलोड का बटन आ जाएगा, आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करते ही ये कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी, उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ये देखें सिम डेटाबेस, ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले मैं सिम डेटाबेस के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, सिम डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे मैं एक नंबर सर्च करता हूँ, अपना ही नंबर सर्च कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये वाकई में काम करता है। इसमें मैंने सर्च किया नंबर और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल नहीं आई, यहाँ पे मैंने कोई चीज़ गलत डाल दी। उन्होंने कहा है कि 0 के बगैर यहाँ पे नंबर टाइप करना है, 3441। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया और यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे नंबर आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC नंबर आ गया। मेन चीज़ जो आपको मिल जाती है CNIC नंबर, आप यहाँ से इसको कॉपी करें और CNIC वाले में जाके पेस्ट कर दें। वो भी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि आप किसी का भी नंबर से CNIC कैसे हासिल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारों को पता होगा, आप वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे जाएं, वहाँ पे आपको नादरा वाले खुद एक वेबसाइट दे रहे हैं कि आप वहाँ पे किसी का भी CNIC निकाल सकते हैं, वो भी 10 रुपये में। तो यहाँ पे आप एड्रेस पे आके एड्रेस उसका चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप इस किसी की भी डिटेल यहाँ पे जान सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या आता है, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में आप किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं, आपको क्या होना चाहिए। आपको जैसे मैं पंजाब पे क्लिक करके यहाँ पे चेक करता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ उसका CNIC नंबर पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करके देख लेता हूँ ये वाकई में काम करता है या नहीं। और उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा दिया हुआ है, तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नॉट फाउंड, यहाँ पे मैं फिर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आईडी कार्ड गलत था, मैं दोबारा दे लेता हूँ आईडी कार्ड। यहाँ मैंने आईडी कार्ड नंबर ऐड किया और कैप्चा फिल किया। उसके बाद मैं वेरीफाई पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो तस्वीर आ गई और उसके बाद यहाँ पे नीचे डिटेल आ गई आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की। तो आप इस तरह से किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं इस एक ऐप की मदद से। यहाँ पे गाड़ी का चेक कर सकते हैं, गाड़ी किसके नाम है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ गाड़ी का नंबर लिखना है, पहले जो 3 हरफ होते हैं ABC के, उसके बाद डैश लगा के लगाना है सन, उसके बाद डैश लगा के लगाना है उसका नंबर जो गिनती में तीन वर्ड होते हैं। लगाने के बाद आप सर्च करेंगे, आपके पास उस गाड़ी की पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप बिजली का बिल, गैस का बिल, PCL का बिल, आप सारा कुछ इस एक ऐप में कर सकते। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने छोटा सा आपको ऐप बता दिया, आपने अब इनको यूज़ कैसे करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत आसान सा काम है, आपने सिर्फ आईडी कार्ड नंबर या आपको जो पूछता है वो आपने इंटर करना है और आपके पास उस चीज़ की डिटेल आ जाए। कहीं पर जाए जैसे कि आपको किसी चीज़ की डिटेल चाहिए हो तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल की मदद से भी किसी की भी डिटेल निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।